आप सभी लोग दैनिक भास्कर पढ़ते होंगे या फिर हमसे जुड़े हुए होंगे लंबे समय से। तो आप लोगों को मालूम होगा कि दैनिक भास्कर की तरफ से एक प्रतियोगिता चलाई जा रही है और जिसमें आप भी भाग ले सकते हैं और आप हो सकता है कि आप भी कुछ इनाम के रूप में पा सकते हैं। तो इसमें आप लोग किस तरह से भाग ले सकते हैं इसकी एक प्रोसेस बता देता हूँ। और आज के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 3 प्रश्न दिए जाते हैं और उनके आंसर आप लोगों को देने होते हैं, तो आज के जो भी प्रश्न हैं उनके आंसर भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें भाग लेने के लिए एक काम कर सकते हैं, आप अपने पास जो भी नंबर है आपके पास स्मार्टफोन में डला होगा, तो इस पर आप क्या कह सकते हैं कि इस नंबर पर क्विज में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपको इस नंबर पर मिस कॉल देना होगा, 9190000072, यानी कि 9190342। इस पर आप लोग जैसे ही मिस कॉल देंगे उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा और मैसेज में क्या रहेगा, एक लिंक रहेगी और लिंक पर आप देखेंगे कि आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा, एक हिंदी रहेगी और एक आप गुजराती और एक आप देख सकते हैं आप एक मराठी। तो इसमें से आप लोग जो भी भाषा है आपकी उस हिसाब से आप चुन सकते हैं और इस लिंक पर आप लोग सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे आपको। और क्वीज का ऑनलाइन सुबह 6 बजे एक्टिव हो जाता है और शाम के 3 बजे तक ये खुला रहता है और जो भी इसमें विजेता रहते हैं उनकी घोषणा अगले दिन जो दैनिक भास्कर का पेपर आता है उसके मेन फ्रंट पेज पर दिखाई दे देता है, ठीक है। और इसकी लिंक मैं नीचे भी दे दूंगा तो वहाँ से भी आप लोग देखते रहिएगा। और इस पर हिंदी ये आपको दिखाई देगा, ये गुजराती में और ये आपको मराठी में। अब बात करते हैं आज के सवालों की। तो पहला सवाल है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स, बी कह रहा है विलियम बेंटिक, सी कह रहा है लॉर्ड डलहौजी। तो आप सभी जानते हैं कि बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा, विलियम बेंटिक, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, विलियम बेंटिक। दूसरा क्वेश्चन से आपका, गुंदेचा बंधु शास्त्रीय संगीत की किस शैली से संबंध रखते हैं या हैं? ख्याल, थराना, ध्रुपद। तो आप सभी जानते हैं कि गुंदेचा बंधु ये आपके ध्रुपद शास्त्रीय संगीत की शैली से संबंध रखते हैं, इसमें क्या लगाओगे? सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ध्रुपद। लास्ट क्वेश्चन तीसरा क्या है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति या फिर चीफ जस्टिस? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरह से आप लोग इसमें शामिल हो जाइएगा और जो भी कल का पेपर रहेगा उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।